मिटान तो मिट थोड़ी जाऊंगा। जब कोई ले जाएगा मैंने तो मिट ही जाएगा ना। रोती क्यों है? कह दिया ना कर लूंगा तेरे बाबू से बात। कद कर लेगा, मेरे बापू ने मेरे खातर छोरा देख रखा है। और पता है वह क्रिकेट खेले स्टेट लेवल। ए बावड़ी पूछ, अपना लेवल देख, वो खेलता है और हम खिलाते हैं पूरी दुनिया को। झूठा झूठे। ये देख कल कोहली को, पोलार्ड को, धोनी को दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर खिलाए हैं अपनी टीम में। सच्ची? और नहीं तो क्या, क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं आज तो, आप एलिमिनेट होने वाले हैं इस मैच से। और जितने भी आज के मैचेस, जब अब तक के जो मैचेस रहे हैं उसमें आप ये देखिएगा कि ये जो मैच रहेगा आरसीबी वर्सेस केकेआर, तो कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज क्या चैलेंज लेने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्ट कर ली है बैटिंग। और जैसे कि टॉस जीत लिया है, बैटिंग को ऑप्ट किया है, तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज स्ट्रैटेजी होने वाली है, आज थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रैटेजी होने वाली है। सोच रहे हैं कि पहले हम एक बड़ा अच्छा सा स्कोर जो है खड़ा कर दे, पूरे फुल फॉर्म बैटिंग में आने वाले हैं आज सारे ही बैट्समैन। सो लेट्स सी व्हाट गोना बी देयर टुनाइट विद दिस मैच ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एंड कोलकाता नाइट राइडर्स। बट वी हैव टू सी दैट बोथ ऑफ द टीम्स आर प्योरली इन टू द फॉर्म, बिकॉज अगर आज नहीं खेलेंगे तो आप टाटा बाय बाय कह के जाने वाले हैं, बिकॉज दिस इज द एलिमिनेटर फर्स्ट। एग्जैक्टली, जो आज जीतेगा वही आगे जाएगा और जो आज हार जाएगा उसका सफर खत्म हो जाएगा फॉर दिस आईपीएल। एंड आई थिंक एज द रॉयल चैलेंजर बैंगलोर हैव टू द चैलेंज टू बैट फर्स्ट एंड स्टार्टेड विद अ गुड स्टार्ट। जो विराट कोहली और पेडिगल की बात करूं, बहुत अच्छे स्टार्ट के तौर पे क्रीज पे आए हैं एंड फॉर द फर्स्ट वेरी फर्स्ट ओवर 7 रन उन्होंने बना लिए हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा स्टार्ट है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द बोलिंग साइड ऑफ द कोलकाता नाइट राइडर्स, जो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी ताकि कम से कम स्कोर जाए, वही जो रॉयल चैलेंजर रहने वाले हैं आरसीबी के खिलाड़ी, मैं बात करूंगा चीकू की, तो विराट कोहली आई थिंक पूरा अपना बेस्ट देने वाले हैं विद 100% राइट। ही इज गोइंग टू ट्राई कि जो स्कोर रहने वाला है निश्चिता आज वो डेफिनेटली 150 के ऊपर जाए, बिकॉज जो रन रेट मुझे फर्स्ट ओवर के हिसाब से दिख रही है, शाकिब अल हसन ने नो डाउट बहुत अच्छी ओवर डाला, बट स्टिल द विराट कोहली एंड पेडिकल गॉट द वे टू गेट द 7 रन्स इन दिस फर्स्ट ओवर। तो अब देखना होगा कि जो नेक्स्ट ओवर है शिवम भाई का, तो शिवम कितने रन दे पाएंगे या विकेट चटका पाएंगे, क्योंकि जो आज का मैच है, कल के मैच में निश्चिता हैव सीन द हाउ द चेन्नई सुपर किंग्स वॉन द मैच, मैच बहुत ही शानदार तरीके से मैच में जीता और बहुत ही बेहतरीन मैच रहा जो MS धोनी ने लास्ट, आई थिंक प्योरली कमेंडेबल मैच, और जिस तरीके से मैच को आज से निकाला, आई थिंक बहुत ही यहाँ पे मैं कहूंगी कि जिस तरीके से दोनों जो बैट्समैन थे, दोनों जो लास्ट के बैट्समैन थे, एक बहुत ही अच्छी पारी यहाँ पे खेली गई, अच्छे शॉट्स यहाँ पे लगाए गए, नहीं तो मुझे लग रहा था कि अगर आज CSK ये मैच छूट जाती तो शायद आगे जाना नहीं मिल पाता उन्हें। और आई थिंक जो भूमिका, जो रोल आई थिंक MS धोनी ने निभाया है कल के मैच में विद हिज फाइन बैटिंग एंड फाइन कैप्टेंसी राइट विद द टीम, आई थिंक वही भूमिका विराट कोहली को निभानी होगी, बिकॉज जो यंग कैप्टन है इंडिया के विराट कोहली हैं, और जो कैप्टेंसी के नाम पे जो सवाल उठे थे, आई थिंक ही हैज द बेस्ट मोमेंट राइट टुडे टू प्रूव हिज कैप्टेंसी एंड हिज प्लेइंग। बिल्कुल, मावी इज देयर एंड जिस तरीके से बोलिंग कर रहे हैं, रन काफी नहीं बनाने दे रहे हैं, एक ओवर यूं ही निकाल दिया है जिस तरीके से, और सिर्फ 8 रन यहाँ पे बटोर पाए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जुगलबंदी चल रही है ना विराट कोहली हमारे चीकू जिस तरीके से कैप्टेंसी यहाँ पे करते हैं, वहीं पे आज बैटिंग का जो जादू है वो यहाँ पे दिखाना होगा, आपको बल्ला चलाना ही होगा, क्योंकि अगर आपने बल्ला नहीं चलाएगा तो देखिए आप एक लो स्कोर मैच यहाँ पे साबित होगा, तो लो स्कोर बिल्कुल नहीं रहेगा, एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आप 150 के पार तो लेकर के ही जाएंगे, क्योंकि आज का जो प्रदर्शन है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ में, और दोनों ही टीम्स के अंदर बेहतरीन बल्लेबाज है, बेहतरीन बॉलर्स यहाँ पे है, तो दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाज की जो जुगलबंदी है दोनों टीम में ऑपोजिशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी है, लेकिन आज यहाँ पे जो जुगलबंदी हम देख रहे हैं कि विराट कोहली और पेडिकल यहाँ पे बैटिंग टाइम, इवन विद बोलिंग टाइम, जो दोनों के इनके लाइनअप है, दोनों की जो उनका
प्लेइंग है उसमें सभी बल्लेबाजों को सभी गेंदबाजों को अपना बेस्ट देना होगा। वेदर टॉक अबाउट द आरसीबी, सो विराट कोहली एंड पेडिकल इज ऑलरेडी प्लेइंग एंड आई थिंक अगर इनमें से कोई विकेट जाता है देन डेफिनेटली द चांस विल गिवन टू द भरत और द मैक्सवेल बिकॉज आफ्टर दैट दे हैव वेरी गुड लाइनअप ऑफ द एबीडी विलियर्स एंड अलॉन्ग विद दैट अहमद ऑफ कोर्स। सो जो बैटिंग लाइनअप है आरसीबी के पास इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप एंड विद दैट कॉन्फिडेंस टू आई थिंक कि उसी कॉन्फिडेंस के साथ उसी मनोबल के साथ में उन्होंने आज बल्लेबाजी चूज करी है विराट कोहली ने और बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौका यहाँ लगा दिया है विराट कोहली ने एंड 9 रन्स ही हैव स्कोर्ड फॉर नाउ एंड 12 रन्स फॉर द टीम टुनाइट। सो आई थिंक जिस तरीके से स्टैग्नेंसी जो हम देख रहे थे यहाँ पे एकदम से स्टैग्नेंट हो गया था मैच मवी के आने के बाद में, लेकिन अब लग रहा है कि शायद ये दिखाना चाहती है आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कि हमें चैलेंजेस लेना पसंद है और हम उस चैलेंजेस को बखूबी फेस करना यहाँ जानते हैं और विराट कोहली ने एक अच्छा शॉट देके उस बात को प्रूव कर दिया है। मेक दिस फोर राइट, जिस प्रकार से उन्होंने जो लेग साइड में एक शॉट लगाया है और बिल्कुल क्लीन स्वाइप के साथ में सीधा बाउंड्री की तरफ, तो यहाँ बहुत समझदारी से खेल रहे हैं विराट कोहली साथ ही साथ में। एंड वन मोर प्लस वी कैन सी फ्री हिट इज राइट देयर, वो भी हम देख सकते हैं। तो नो बॉल था और फ्री हिट के साथ में चौका मिल गया, तो आई थिंक जो प्लस पॉइंट्स मिल रहे हैं एंड आज मुझे नजर आ रहा है इसका जो किस्मत है जो डेस्टिनी है आई थिंक आरसीबी के साथ आपने है। बोला और हो गया वहां पे फिर से एक चौका लगा दिया है, तो एज वी सेड इट एंड दे हैव डिड इट। सो व्हाट वी कैन सी इज दैट इट्स अ प्योरली ग्रेट एनर्जी पावरफुल पैक परफॉर्मेंसेस दैट वी कैन सी टुनाइट from the batsman and right now you can see that Virat Kohli is making the right swing over there and Pedikal is I think having a great contribution. So, dono ka cooperation bahut hi acha hai dekhne ko mil raha hai aaj pitch ke upar, lekin aap वैसे ही जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आपको हाउस जोश में अपना जोश नहीं खोना है, अपना जोश जो है पूरा बना के रखना है और बिल्कुल भी उसमें होश नहीं गंवाने, क्योंकि अगर आप होश गंवा देंगे तो यहाँ पे विकेट हो जाएगा और वो विकेट देखिए आज के मैच में तो बिल्कुल टीम अफोर्ड नहीं कर पाएगी। होश ना गंवा के बिल्कुल मौके पे चौके लगाने होंगे जैसे कि चौके लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात करूं लास्ट ओवर का तो आई थिंक गुड ओवर विद शाकिब अल हसन एंड विद दिस ओवर ऑफ शिवम। शिवम की स्टार्टिंग की जो चार गेंद रही, चारों डॉट गेंद निकाली, उसके बाद कोई रन नहीं पड़ा था, बट विद दिस 2-4 जो दो चौके लगा दिए हैं आई थिंक जो करंट रन रेट है वो वापस सेम पैनल पे सेम पोजीशन पे खड़ी कर दी है, दैट इज 8.5 एंड आई बिलीव विद दिस रन रेट दे कैन मेक अ गुड स्कोर अबाउट 150 एंड अगर वो 150 स्कोर पहुंच जाता है आज आरसीबी का देन मुझे लग नहीं रहा है कोई मुसीबत होने वाली है आरसीबी के लिए, क्योंकि जो कोलकाता है दे हैव ऑलरेडी हैव अ गुड बैटिंग लाइनअप बट डोंट हैव एज गुड एज द बॉलिंग लाइनअप ऑफ द आरसीबी, क्योंकि जो बॉलिंग लाइनअप है आरसीबी का वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉलिंग के साथ में एक अच्छी फील्डिंग भी है। तो अगर स्कोर आज 160 के अबव जाता है एज वी आर प्रेडिक्टिंग देन डेफिनेटली जो आरसीबी है वो प्लस पॉइंट में रहेगी और मैच आसानी से ले पाएगी, बट राइट नाउ आई थिंक वरुण चक्रवर्ती इज ऑन टू बॉल तो विराट कोहली आई थिंक चक्र बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल और उसको देखते हैं कि आज आरसीबी के जो बैट्समैन है हमारे यहाँ सामने विराट कोहली और पेडिकल उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि 18 रन अभी तक बना लिए हैं। बॉल यहाँ पे जो जाए जा रही है, जो अभी जो गेंदबाजी चल रही है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफी स्लो डाउन हो रहा है यहाँ पे स्कोर, तो देखते हैं कि जिस तरीके से पिछले ओवर में एक ओवर जो था एक जो स्कोर था वो स्लो डाउन हुआ, यहाँ पे जो बैटिंग थी वो स्लो डाउन हुई आरसीबी की तरफ से, लेकिन फिर से एकदम से एक मैं कह रही हूँ एक स्काइप हाई हम देख सकते थे यहाँ पे, एक अच्छा हाइक यहाँ हुआ है, चौके छक्के यहाँ पे लगाने की कोशिश की थी और फिर यहाँ पे फोर ले लिया गया था, तो आई थिंक दैट वी कैन सी राइट ओवर हियर 19 रन पूरे बना लिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 गेंदें यहाँ रखी है, तो ये चार गेंदें अब क्या दिखाने वाली है यहाँ पे, क्या चक्रवर्ती सच में चक्रव्यूह रच के कोई विकेट जड़ने वाले हैं या फिर हमारे बखूबी दोनों ही बैट्समैन आज विराट कोहली की अगर हम बात करें जैसे कि हमारे प्रिय लक्ष्य के चीकू जैसे हम कहते हैं, पूरे भारत आज मैं कह रही हूँ आज प्रदर्शन देखना चाहता है विराट कोहली का हमारे साथ में, क्योंकि यहाँ पे जो कंपैटिबिलिटी है ना विराट कोहली की फैन फॉलोइंग खूब अच्छी है, जिस तरीके से हर मैच में यहाँ पे ऑडियंस पूरी जो है टिके रहकर देखना चाहती है कि विराट कोहली जो है ना पिच पे बने रहे, तो आज वो नहीं करके दिखाना होगा, क्योंकि आप पिच पे बने रहेंगे साथ ही साथ में अगर पेडिकल यहाँ पे जमे रहेंगे तो आप अकेले ही एक अच्छा स्कोर यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। डेफिनेटली जम के खेलना होगा बिकॉज स्टेबिलिटी ओनली आप अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे एंड आई थिंक द फैंस आर वेटिंग राइट
कि एक अर्धशतक तो कम से कम विराट कोहली यार लगा ही दें, चाहे विराट कोहली हो या पेडिकल हो या भरत हो, आज किसी ना किसी खिलाड़ी से एटलीस्ट दो खिलाड़ी को आज 50 लगानी होगी। आप यार ही शायद स्कोर एक अच्छा चेजिंग स्कोर बन पाएगा, बिकॉज जो विराट कोहली है उनको अगर वो 50 लगाने में कामयाब होते हैं, जो कमिंग बैट्समैन है दे विल गेट अ गुड मोटिवेशन, डोंट यू थिंक सो निशिता? कि जो बाकी बल्लेबाज आएंगे, अगर आपके कप्तान ने ही एक अर्धशतक लगा दिया है तो कितना अच्छा मोटिवेशन मिलता है। इफ आई टॉक अबाउट द विराट कोहली इटसेल्फ, जो उनका मुंबई इंडियंस का मैच था, ही मेड 51 रन्स राइट फ्रॉम जस्ट 42 बॉल्स, तो ही हैव टू प्रूव हिमसेल्फ राइट विद सचिन स्कोर जो मुंबई इंडियंस के साथ में खेला था और बहुत अच्छा गेम खेला था, तो वैसा ही कुछ गेम आज उनको खेलना होगा और वैसे ही पारी बनानी होगी जिसको हम कप्तानी पारी भी कहते हैं। क्योंकि जो पेडिकल भरत और फिर मैं बात करूं अगर मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स जो रहने वाले हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन पॉइंट हो जाएगा अगर यहाँ पे विराट कोहली टिक के खेलते हैं और विकेट बिना लूज करे बहुत समझदारी से, बहुत सहजता से और बहुत धीरज रख के आराम से पैर जमाते हैं अगर क्रीज पे, देन विल बी अ हार्ड टाइम फॉर द कोलकाता, क्योंकि तब कोलकाता के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। क्योंकि कोलकाता हैव अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप, निश्चिता जितना आई वुड आई बिलीव कि जितना अच्छा बॉलिंग लाइनअप है उसके कहीं ज्यादा अच्छा कोलकाता में बैटिंग लाइनअप भी है। तो बॉलिंग लाइनअप की हम बात करें तो दे हैव द सुनील नारायण जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और ना केवल गेंदबाजी बट ही प्रूव हिमसेल्फ ऑलवेज बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं सुनील नारायण। अपार्ट फ्रॉम दैट वरुण चक्रवर्ती का आई थिंक ओवर पूरा हो चुका है, सो इट्स 3 ओवर राइट एंड 24 रन। हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 रन यहां दिए हैं, एकदम से बॉलिंग करते करते स्टॉप भी हो गए थे आज चक्रवर्ती, तो सोच रहे थे कि चक्रव्यूह मैंने अच्छा बनाया है नहीं बनाया है, जिस तरीके से पूरे प्लानिंग करके आए थे आई थिंक वो प्लानिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं बखूबी पूरी हुई है। क्योंकि जो पिच के ऊपर आपका एक राइट डायरेक्शन होता है ना बॉलिंग करने का, कि आपको यॉर्कर देना है, स्पिनिंग देना है, यहाँ पे किस तरीके का बैट्समैन आपके सामने, तो वो आपको इंस्टेंटली सोचना पड़ता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस तरीके का आप प्लानिंग करके आए वो का वो ही आपको पिच पे देखने को मिले। निश्चिता की जिस प्रकार से आरसीबी खेल रही है, जिस प्रकार से पेडिकल और विराट कोहली खेल रहे हैं, आई थिंक दे कैन स्कोर अ गुड, बिल्कुल यहाँ पे और लगा दिया है चौका और 28 रन यहाँ पे बना लिए हैं। जो रन रेट चल रही है 8 रन रेट, 8 रन की जो रन रेट चल रही है बहुत अच्छी रन रेट है, एंड विद दैट सेम आई थिंक 160 टू 170 स्कोर इन आराम से चेज कर लेंगे। एंड जो बॉलर्स हैं तो आई थिंक अब यहाँ जरूरत है कोलकाता को अपनी बॉलिंग पैटर्न चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोलकाता ने अपनी बॉलिंग पैटर्न चेंज नहीं की तो फिर जैसे कि मैं बात कर रहा था फैगसन की, और फैगसन आ चुके हैं पर आते ही 4 रन दे दिए, बिल्कुल यहाँ पे 4 रन दे दिए, जैसे कि हमारे लक्ष्य कहते हैं कि फ्री में बांट दिए हैं गिफ्ट की तरह, तो वो आज 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 संभल के रहना होगा यहाँ पे केकेआर को, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स हैं आप और जिस तरीके की राइडिंग आप कर रहे हैं आई थिंक वो गलत राइडिंग यहाँ पे साबित हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फर्गुसन को ये समझना होगा कि आपको जो एक नए तरीके का स्टाइल यहाँ पे ऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टाइल से आप प्ले करते हैं वो ऑलरेडी हमारे विराट कोहली और पेडिकल को समझ में आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल निशिता, और आई थिंक ये जो ओवर है फर्गुसन का इट कैन मेक अ चेंज, स्टिल इट हैव अ होप राइट कि जिस प्रकार से ने चौका खाया है तो आई थिंक अब थोड़ा मोटिवेशन के साथ में, थोड़े दबाव के साथ में फर्गुसन की एक स्विंग बॉल आने वाली है। और व्हाट आई होप कि अगर कोलकाता को यहाँ पे मैच में वापस आना है, थोड़ी सी अपनी होप बढ़ानी है तो फर्गुसन के साथ में होप रखनी होगी और फर्गुसन को यहाँ विकेट चटकाना ही होगा, क्योंकि उसके बाद में जो प्लेयर्स हैं, जो विराट कोहली हैं या पेडिकल हैं, वो आई थिंक बहुत अच्छे से टिक जाएंगे। और जो दबाव है निश्चिता, तो फिर तो मुश्किलें बढ़ती जा रही है मुझे चीकू के लिए, बट राइट नाउ विराट कोहली एंड आरसीबी आर प्लेइंग रियली वेल, दे आर गॉट द स्टेबिलिटी, उनने स्टेबिलिटी पा ली मुझे लग रहा है इस क्रीज पे, वो स्टेबल हो चुके हैं और राइट नाउ आई थिंक बहुत जम के खेल रहे हैं, क्योंकि 29 रन बन चुके हैं एंड इट्स मोर देन 3 ओवर, तो जो रन रेट है एग्जैक्टली 30 रन्स दे हैव स्कोर्ड फॉर नाउ एंड ओनली द लास्ट 2 बॉल्स आर लेफ्ट फॉर दिस ओवर। देखना ये कि ये दो गेंदें जो लास्ट की बची है क्या चमक यहां पे दिखाने वाली है, क्योंकि आज जो दोनों सितारे हैं हमारे यहां पे पिच के ऊपर विराट कोहली और
देवदत्त पेडिकल, दोनों की जो जोड़ी है मुझे लग रहा है जिस तरीके से हम कह रहे हैं जम गई है, तो जमनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा स्कोर देने की बारी है आज आरसीबी के साथ में, क्योंकि बॉलर्स देखिए यहाँ पे कमाल के बॉलर्स है आज कोलकाता नाइट राइडर्स के पास में। जिस तरीके से चक्रवर्ती आए यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी है और रन बेखूबी यहाँ पे कम दिए हैं, लेकिन फर्गुसन ने आके वो रन मुझे लगता है जो जितने उन्होंने बचाए थे वहां पे वो पूरे कर दिए गए सिर्फ और सिर्फ एक चौके के साथ में। देन नाउ वी कैन से इज द 30 इज द स्कोर फॉर नाउ, और पूरे के पूरे यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि एक दबाव यहाँ पे क्रिएट किया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रेशर में बैट्समैन को रखेंगे वो उतने ही ज्यादा में कोशिश ये करेगा कि वो बल्ला घुमाएगा और शायद आप विकेट जड़ ले उस चीज के अंदर। तो यहाँ पे गलती भारी पड़ रही है बल्लेबाज के लिए और आई थिंक वो गलती, लेकिन भारी नहीं पड़ रही है, फिर से चौका लगा दिया है यहाँ पे, 34 रन पूरे कर लिए है। बिल्कुल इनके पैर जम चुके हैं, दे हैव फाउंड द ग्रिप, एग्जैक्टली दे हैव फाउंड द ग्रिप, एंड जो ग्रिप है वो इतनी फॉर्म हो चुकी है निशिता की अब ये लूज नहीं होगी। अब जो मुझे लग रहा है आज तो अर्धशतक फटाफट से बनना ही चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे दोनों हम तो यही कहेंगे कि दोनों का अर्धशतक हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात होगी यहाँ पे, क्योंकि 100 रन अगर दोनों मिलके पूरे करेंगे ना तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल तो देंगे ही देंगे, टीम को बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आज लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बोलर्स हम यहाँ देख रहे हैं, चक्रवर्ती आए, मवी यहाँ पे आए, उसके बाद में फर्गुसन यहाँ पे आए, तो देखिए ये जो कंपैटिबिलिटी है ना बोलर्स की ये तो चेंज होती रहेगी, क्योंकि आज जरूरी है यहाँ पे चेंज होना, क्योंकि आज जो मैच है बहुत ही टफ है। और सबसे पहली बात कि जिस तरीके की प्लानिंग थी यहाँ पे दोनों टीम्स जो आई है, जरूरी नहीं कि वो इंस्टेंटली आपके चेंज होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन आज पिच पे बन जाती है एकदम से रैपिड चेंज आ जाते हैं, चौके छक्के यहाँ पे पड़ने लग गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि जैसे चौकों की तो बारिश ही हो रही है, मौका देखा चौका लगा दिया, मौका देखा और चौका लगा दिया, तो ये जो चीजें हो रही है यहाँ पे आई थिंक ये भारी पड़ जानी चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स को अगर यहाँ पे एक चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो ओवर है वो समाप्त हो चुका है, हम देख सकते हैं कि 4 ओवर में 36 रन बना दिए और क्या कमाल का यहाँ पे मैचिंग देख रखा है। व्हाट इज मिरेकल निशिता दैट राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर जो उनकी रन रेट है इट इज स्टेबल, बिल्कुल बिल्कुल के साथ में चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं है कि मतलब आपने किसी ओवर में कम रन बनाए हो किसी ज्यादा बनाए हो, बट जो 8 रन पर ओवर का जो टारगेट है आई थिंक ही इज टू सम टारगेट राइट विद विराट कोहली एंड पेडिकल, उन्हें एक टारगेट सोच के आए हैं, एक लक्ष्य सोच के आए हैं कि आज इसी पे वर्क करना है और इसी को अचीव करना है, और उसी पे आई थिंक कायम है, उसी पे बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, बहुत स्टेबिलिटी के साथ में उसको कायम रख रहे हैं। आज रन रेट इज 8 रन रेट तो बहुत ही वैसे लक्ष्य आज आपने अपने लिए क्या लक्ष्य बनाया है, कौन सी टीम आपको लग रही है आज धुआंधार पारी खेलने वाली है, क्योंकि हम तो बने हुए हैं आज और हमने हमारी टीम तो आज पहले ही बना ली थी और इसी में हम लग रहे थे कि आज हमारी शायद यही बात हो रही थी कि कल की कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं। कल मैंने कहा था मेरी टीम भी जीत चुकी है कल, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के जो MS धोनी है और बाकी खिलाड़ी है, जैसे कि मैंने टॉपिक्स आपको बताए थे और जैसे कि निशिता और हम पहले प्रोजेक्ट करते हैं आपको, whether it's about projected score, whether it's about the best pickups, whether it's about the टीम लाइनअप कि आपको कौन सी टीम चुननी है, तो वो बिल्कुल आपको फोकस रखना होगा। और आज का जो मुझे लग रहा है डेफिनेटली निशिता जो आज के टॉप पिक्स रहने वाले हैं इट्स डेफिनेटली ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली आई शुड से, शुभम गिल नो डाउट टोटली, एंड सुनील नारायण, और जो विराट कोहली है आज तो मुझे लगता है आज गेम चेंजर साबित होने वाले हैं, ना केवल खुद की बल्लेबाजी से बल्कि कप्तानी से, बिकॉज एक लीडर जो होता है पूरी टीम का, द कैप्टन ऑफ द टीम प्लेज एन इमेंस रोल राइट with the whole team members to create the motivation, to create the strategy right and on the ground to change the fielding pattern, जो बार बार अपने अपनी काबिलियत दिखाते हैं, अपना experience दिखाते हैं, वो साफ नजर आता है ground पे। So my team is ready and what about you, Rishita? Truly. I think what are you waiting for? क्योंकि जो लगातार match का romance है, वो बढ़ता जा रहा है and it's I think of course the scores are popping up rightly right there. And what you're waiting for, you have to go because right now on the pitch is Mavi और वापस आ गए हैं यहाँ पे जिस तरीके से पहला ओवर यहाँ लिया था, देख रहे हैं कि क्या फिर से मैं कोई विकेट जड़ सकता हूँ क्या यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे चौके नहीं देने हैं, क्योंकि जीत सकते हैं ढेरों सारे इनाम जीतने का मौका, और एक नहीं दो नहीं तीन पूरे के पूरे 20 करोड़ जीत सकते हैं आप बिल्कुल, तो जाइए फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए ऐप ऑन www.1160.com, क्योंकि क्रिकेट बोले तो 1160। Dream order, तो कमाओगे। Make your own team on 11 Sixes. Download the app now.